नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर, अंजलि कोचिंग सेंटर फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट पार्ट अर्थात पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने फ्रेंड्स पहले पार्ट में 1 से 9 तक के क्वेश्चन को पढ़े थे, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने 10 से 17 तक के क्वेश्चन को पढ़े और तीसरे पार्ट में हम लोग आज 18 से आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए अंत तक, देखिए हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये रहा हम लोगों के आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो इस प्रकार है, चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्यूशन पर। लेट I बराबर इंटीग्रल cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx। फ्रेंड्स, cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पर जब साइन पर है तो साइन के आधार पर ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स, ये कॉस 2x का इतना तक फार्मूला है। कॉस 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स जिसका इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स कि tan x प्लस सी। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन का ये रहा कंप्लीट आंसर। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, चलते हैं इस पर कि सॉल्यूशन पर। लेट I बराबर 1 बाई sin x cos qx dx। फ्रेंड्स, ये होगा cosec और ये हो जाएगा sec, जिसका कोई फार्मूला नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे करके बनाएंगे, sin x cos qx नीचे में cos x से गुना करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे, तो इस ये मिल जाएगा फ्रेंड्स हमको इस प्रकार sin बट्टा cos tan x और ये हो जाएगा cos 4x dx। फ्रेंड्स, ये आएगा इस प्रकार से 1 बाई tan x, ये आ जाएगा ऊपर sec 4x dx। तो फ्रेंड्स, ये जो बनेगा सवाल हम लोगों का, ये सवाल होगा इस प्रकार का कि sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बट्टे में आएगा tan x dx। थोड़ी सी और एक बार इसे तोड़ेंगे, tan स्क्वायर x प्लस 1, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई tan x dx। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग इसके पुट करने पर, देखते हैं कैसे पुट होता है। फ्रेंड्स, इसमें करेंगे पुट tan x बराबर t dbs विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए फ्रेंड्स, डी डी एक्स टेन एक्स डी टी बाई डी एक्स, इसका होगा फ्रेंड्स सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो फ्रेंड्स आगे लिखिए, 9 I बराबर tan स्क्वायर x माइनस 1 sec स्क्वायर x tan x dx। तो फ्रेंड्स, इसके बदले यूज कर लीजिए t स्क्वायर माइनस 1, इसके बदले dt, इसके बदले t। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों का ये
इतना आ गया, टी के फॉर्म में आ गया। अब इसे हम लोग बारी बारी से तोड़ते हैं और बनाते हैं, ये बनेगा कैसे? तो फ्रेंड्स, जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये आता है टी स्क्वायर बाई टी, मतलब टी प्लस वन बाई टी, ये हो गया डी टी। यहाँ पर होगा टी का होगा टी स्क्वायर बाई टू, प्लस वन बाई टी का होगा लॉग टी प्लस सी। फ्रेंड्स पुट कर दीजिए, तो वन बाई टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग टेन एक्स प्लस सी। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोगों का कंप्लीट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया इतना। चलते हैं फ्रेंड्स आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन करेंगे। फ्रेंड्स ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन जिसे हम सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन पर। लेट आई बराबर कॉस टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। फ्रेंड्स हम लोग कॉस टू एक्स का फॉर्मूला डालते हैं। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अगर फ्रेंड्स ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। फ्रेंड्स देखिए गौर से, एक ये और एक ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे हटाएंगे ये हट जाएगी, हमारे पास बच जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स अब पुट करना होगा, पुट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी। डी बी एस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। कॉस का होगा फ्रेंड डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन का होगा कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। नौ आई बराबर कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसके मतलब फ्रेंड्स इनको डी टी पुट करना है, तो वन बाई टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करके आएगा फ्रेंड्स लॉग टी प्लस सी लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सी। इस प्रकार ये रहा फ्रेंड्स इसका कंप्लीट आंसर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 का। तो फ्रेंड्स चलते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन, चलते सॉल्यूशन पर। लेट आई बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। तो फ्रेंड्स ये जो इस प्रकार का क्वेश्चन है इनवर्स में, तो इनवर्स के लिए इसको हम तोड़ते हैं ऐसे पाई बाई टू, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये तो खत्म हो जाएगी, ये बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। इसका से इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू अब प्लस में आएगा सी। तो ये रहा फ्रेंड्स इन लोगों के 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार रहा। फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, ये रहा हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, चलते इसके सॉल्यूशन पर। लेट आई बराबर वन बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो फ्रेंड्स ये तो सब कुछ ठीक है इस प्रकार के, इसमें किसको पुट करे
तो कितना आएगा, ये अभी भी कन्फ्यूजन है। तो फ्रेंड्स, इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं कुछ चीज़ों से, मल्टीप्लाई करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन बी माइनस ए से, यह हो जाएगा साइन बी माइनस ए बट्टा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स साइन बी माइनस ए। ये आ गया फ्रेंड्स साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, हो गया कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। जैसे ही फ्रेंड्स ये इस प्रकार के आए हुए हैं, इनका फॉर्मूला बैठे, इसका फॉर्मूला जैसे हम बैठाते हैं, ये फॉर्मूला आएगा साइन ए माइनस बी पर, साइन ए माइनस बी पर फॉर्मूला होती है साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन एक्स माइनस ए साइन ए इंटू, फ्रेंड्स साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। फ्रेंड्स आगे आते हैं साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन करते हैं। फ्रेंड्स इसको अलग अलग कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। वन बाई साइन बी माइनस ए, ये फ्रेंड्स ये तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया साइन ए माइनस साइन एक्स माइनस ए और इधर बच गया कॉस एक्स माइनस ए। तो साइन बट्टा कॉस क्या होती, टेन एक्स माइनस ए माइनस यहाँ बच गया टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो फ्रेंड्स टेन का वैसे इंटीग्रेशन होता नहीं, परंतु हम लोगों एक फार्मूला जानते हैं लॉग के रिस्पेक्ट में, तो उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। चलते फ्रेंड्स उसी लॉग वाले फार्मूले से इसका इंटीग्रेशन हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स इसके, तो क्या होगा कि माइनस लॉग कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लॉग एक्स माइनस, ये होगा फ्रेंड्स एक्स माइनस ए लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। चूंकि टेन एक्स डी एक्स बराबर माइनस लॉग कॉस एक्स, तो फ्रेंड्स अब देखिए साइन बी माइनस ए, यहाँ पर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई में क्या होगा कि लॉग एक्स बट्टा वाई कॉस एक्स माइनस बी बट्टा कॉस एक्स माइनस ए, ये लॉग में आ गया और प्लस में सी, यही रहा हम लोगों का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यही रहा। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाएँ देख लीजिए कि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बराबर होता है
लॉग एक्स बाई वाई। फ्रेंड्स यहीं पर है कि लॉग कॉस एक्स माइनस बी माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ पर होगा लॉग कॉस एक्स माइनस बी, क्योंकि प्लस में था तो ऊपर आई, माइनस में था तो नीचे, प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे, इसके तौर पर ये बना हुआ। चलते हैं फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन 23 नंबर, ये हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। लेट आई बराबर इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग कर लीजिए फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये बच जाएगा फ्रेंड्स वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बच गया फ्रेंड्स वन बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स इसका जो बचेगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका जो बचेगा वो होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड टेन एक्स, इसका होता है फ्रेंड्स इसका होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये रहा हम लोगों का फाइनल आंसर फ्रेंड्स। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसलिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा हम लोगों का ए, वो होगा हम लोगों का ए। ये रहा हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। लेट आई बराबर इंटीग्रल ई एक्स इंटू वन प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स यहाँ हम पुट कर देते हैं, पुट करते हैं एक्स के पावर ई एक्स बराबर टी डी बी एस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी डी एक्स एक्स ई के पावर एक्स डी टी बाई डी एक्स। फ्रेंड्स जब इसको हम बनाएंगे तो हमारे पास आएगा डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स ई एक्स प्लस एक्स इंटू डी ई एक्स बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। फ्रेंड्स ये आ गया वन अर्थात ई एक्स प्लस एक्स और ई एक्स डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर ई एक्स कॉमन लीजिए फ्रेंड्स वन प्लस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। नो फ्रेंड्स नो आई बराबर पी एक्स वन प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स एक्स के बदले डी एक्स, यहाँ पर क्या करना फ्रेंड्स कि इसके बदले यहाँ जो है डी टी रखेंगे और इसके बदले टी, तो फ्रेंड्स इसके बदले हो गया डी टी, ये हो गया कॉस स्क्वायर टी। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा अब सेक स्क्वायर टी डी टी बराबर हो गया फ्रेंड्स टेन टी प्लस सी, तो फ्रेंड्स टी का वैल्यू यहाँ पर डाल लीजिए बराबर टेन एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों का 24 नंबर बन गया, परंतु ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोगों का ये 7.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई टोटल तीन पार्ट में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आई होगी, तीनों पार्ट का एक से लेकर 24 तक टोटल सवाल समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर पहले दो पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इस तीसरे पार्ट में डाल देंगे, आप जाकर उसे देख लीजिए पहले, इसके बाद ये बनाइए, बेहतर तरीके से बनाए फ्रेंड्स, उसे समझ के बनाए जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो फ्रेंड्स अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अब अगले क्लास में 7.4 एक्सरसाइज लेके, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।